बाद बीजेपी ने जो कराई इसलिए उसको जो है सरकार को आगे बढ़ाते हुए जो है आज कांग्रेस और बीजेपी कोई भी विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जो 2000 वॉइस इज नॉट क्लियर एट ऑल। अजय जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपका रुख करूंगी। अभी फिलहाल मैं सीमा जी के पास जाऊंगी। सीमा जी, आपके लिहाज से अगर देखा जाए कि आप राजनीति में हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड वासियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह से उनका विकास होगा, आपके लिहाज से क्या मेन मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर अब चुनाव होने चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे बड़ी, और रोजगार, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो सब किसी के पास भी हो तो सक्षम रहेगा वो राज्य, और हम हमेशा उसी में कोशिश कर रहे हैं कि उसी में ही बच्चों को और आने वाले जनरेशन को आगे लेके। पिछले साल जनता क्यों परेशान है, पिछले कई सालों से क्यों ऐसा हो रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए सब बिल्कुल, हम इसी नारे को लेके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, एंड मेक इन इंडिया ये भी है कि हम अपने स्वरोजगार को हम ज्यादा से ज्यादा दे, और हमने बच्चों को ये बोला भी कि स्वरोजगार पे आइए और आप लोगों को सब्सिडी के साथ लोन मिलेगा। बच्चे तो बच्चे दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर ना तो उन्हें रोजगार मिल पा रहा है ना ही अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्यों ऐसा होता है? देखिए उत्तराखंड में क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे दिल्ली में तो इतना ज्यादा है, लोगों को तो जॉब्स बहुत है, लेकिन उत्तराखंड में आपको इंडस्ट्रीज लगा, लेकिन मैंने अभी भी देखा इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं बच्चे, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, आप रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे टच में है जिन्होंने बाहर का रुख छोड़ के अपने राज्य में वापस आए और उन्होंने यहाँ लोन लेकर और कंपाइल, और मैंने बहुत वीडियोस भी बनाई थी इस पे कि बच्चों अपने अपने राज्य में, आपका राज्य बहुत खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड से कम नहीं अगर आप इंटीरियर में चाहिए तो, लेकिन सिर्फ ये है कि जोश की जरूरत है, एंथुसियाज्म की जरूरत है कि आप मिलके काम करें। खेल स्पर्धा क्या उत्तराखंड में पहले नहीं थी? पहले भी थी, अभी हमने देखिए खेल को कितना आप पहले भी काफी टाइम पहले भी हम लोग सोच रहे थे, कैबिनेट में आते थे कहते थे ये सोचते रहेंगे 2022 नजदीक है, कोरोना का टाइम नहीं है, कोरोना काल ने इतना सबको तोड़ दिया, आप के अपनी बात मत करिए, पूरे राज्य को हिला के रख दिया था, किस तरीके से ट्राई ट्राई मच लग रहा था कि बच तो जाए, लेकिन उस कोरोना काल में भी आपके उत्तराखंड को किसी चीज की कमी नहीं रही, जबकि बहुत बड़ा